हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, स्टडी रूप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है प्रकाश केसरवानी और मैं आपको वीडियो की इस सीरीज में पढ़ाने जा रहा हूँ करंट अफेयर्स। देखिए, आप लोग पिछले कुछ दिनों से डिमांड कर रहे थे कि करंट अफेयर की क्लास भी शुरू की जाए, तो आइए आज 1 मार्च, जैसा कि हमने आपको वादा किया था, 1 मार्च से आपकी सारी क्लास रिज्यूम हो जाएंगे। हम भी बहुत दिनों बाद क्लास लेकर आ रहे हैं, तो करंट अफेयर की जो सीरीज है वो डेली आएगी, रोज सुबह 6 बजे आएगी, 6 AM पर आ जाएगी। लेकिन आज की क्लास जैसे शाम को आ रही, क्योंकि आज हम प्लान कर रहे थे सारी क्लासेस का, आपकी करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या मैथ की क्लास कैसे लानी, ये सब की प्लानिंग हो रही थी। कल से आपकी सारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, टाइम पर आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा। तो ये आपका करंट अफेयर सीरीज है। अच्छा, एक चीज बता दे आपको, ये जो करंट अफेयर की क्लास है, ये आपके सारे एग्जाम पूरा ग्रुप डी से लेकर ग्रुप डी की, जैसे MTS हो गया या MTS की पोस्ट, CHSL की पोस्ट हो गई, और CGL का जो एग्जाम होने वाला है आपका, CGL हो गया, UPSI का एग्जाम, जैसे आपको पता है कि आ गया UPSI, और यहां तक कि PCS और UPSC के एग्जाम, PCS और UPSC के जो एग्जाम्स हैं उस पर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सीरीज, ठीक है। तो इन सभी को ध्यान रखते हुए ये क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं। दूसरा, ये जो करंट अफेयर होंगे ये आपको बिल्कुल भी रटने नहीं, बिल्कुल समझना है इनको, बेसिक से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी और 1 मार्च। तो देखिए, ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। जी हाँ, 28 फरवरी को। इस दिन क्या हुआ था, देखिए इस दिन हुआ क्या था, जो हमारे सर सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन ने, इन्होंने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट। 28 फरवरी 1928 को डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट, इन्हीं की ऑनर पे हम मनाते हैं क्या, नेशनल साइंस डे कब, 28 फरवरी को, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको याद रखना है, वो है नेशनल साइंस डे का थीम 2021 का थीम क्या है, फ्यूचर ऑफ STI, इंपैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। बहुत बार अच्छे एग्जाम, जैसे अगर PCS लेवल एग्जाम की बात कर ली जाए, तो यहाँ पर थीम पूछ लिया जाता है, जैसे पूछ लिया जाएगा युवा दिवस का इस बार थीम क्या था या नेशनल साइंस डे का थीम क्या था, तो इसको भी हम लोग कवर करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसे फांसी की सजा सुनाई गई। जी हाँ, ये पहली ऐसी वुमेन आपको बताना है, पहली ऐसी भारतीय महिला जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। आज तक भारत में स्वतंत्रता के बाद से किसी भी भारतीय महिला को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, शबनम अली, आयशा बेगम, हजरत सादिया। तो जी हाँ, इसका सही ऑप्शन आई होप आपको पता होगा, शबनम अली है। इन्होंने अपने परिवार के 7 सदस्यों को नशीला पदार्थ दूध में मिलाकर उनका गला रेत कर हत्या कर दी, तो इस वजह से इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। और इन्होंने अभी अभी, इनके बेटे ने 18 फरवरी को राष्ट्रपति से अपील दाखिल की है कि इन्हें इनकी फांसी की सजा माफ कर दी जाए, उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए, या जो भी किया जाए वो राष्ट्रपति के ऊपर है, तो देखते हैं इन्हें आगे सजा होती या नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, ये है शबनम अली जी, और ये है जिला कारागार मथुरा, जो स्पेसिफिकली बनाया गया किसके लिए, फीमेल हैंगिंग के लिए। जी हाँ, अ फीमेल हैंगिंग हाउस वॉज बिल्ट इन मथुरा जेल, ये याद रखिएगा, मथुरा जेल 150 ईयर एगो, बट नो वुमेन हैज बीन हैंग्ड हेयर सिंस द इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद से कोई भी महिला को यहाँ पर लटकाया नहीं गया है, फांसी नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये है मथुरा जेल, यहाँ पर अगर फांसी होती तो नहीं, यहीं पर फांसी दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कौन है। अच्छा, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, तो इसमें नो डाउट यहाँ पर आपको पता होगा, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आपको बहुत आसानी से पता होगा, नहीं है तो देखिए आपको बताते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जी हाँ, ये आपके एक्टिंग PM नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया। इस पर कई बार विवादित भी विषय था ये कि एक्टिंग PM जो होता है, जो करंट PM है इस समय, उनके नाम पर आप कैसे रख सकते हैं, लेकिन इनका नाम PM मोदी के नाम पर रखा गया है। और ये कहां पर है, अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात पे है, बना हुआ है। और अभी अभी अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता होगा 24 फरवरी को यहां पर पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया, जो कि डे एंड नाइट टेस्ट मैच था, ठीक है। और ये जो मैच था, ये शॉर्टेस्ट मैच था अभी तक का, ये भी आप याद रखिएगा, आपसे आ सकता है कि शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच अभी तक का जो हुआ है वो क्या है, 842 गेंद पर समाप्त हुआ, जो कि डे एंड नाइट टेस्ट मैच था, ठीक है। अच्छा, एक चीज बता दें, ये जो सरदार पटेल स्टेडियम भी हमने यहाँ पर ऑप्शन इस वजह से रखा है, क्योंकि ये जो जहां पर बना है वो सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो कई बार लोग कंफ्यूज जाते हैं कि सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स का नाम है, ना कि स्टेडियम का नाम। स्टेडियम का नाम क्या है, मोदी स्टेडियम, ठीक है। आइए देखते हैं स्टेडियम, ये है देखिए, भव्य, बहुत ही बड़ा भव्य स्टेडियम है। इसकी सीटिंग कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो 1.10 लाख,
यानी कि 1,10,000 शूटिंग कैपेसिटी है। और कई जगह आपको अगर ऑफिशियल कैपेसिटी, जैसा कि जिस दिन उद्घाटन हुआ था उस दिन बताया गया था इसका 1.32 लाख, ठीक है, तो आप डिपेंड कर सकते हैं ऑप्शन पर क्या है। वैसे तो इसका जो ऑफिशियल आंसर होगा ये है 1,32,000 की सीटिंग कैपेसिटी है, ठीक है। और ये देखिए नीचे पिक पर दिखाई गई जो नदी जा रही है यहाँ पर, यह है साबरमती नदी। तो ये साबरमती नदी के किनारे 100 एकड़ जमीन पर बना हुआ है, भव्य स्टेडियम है हमारा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर बता रहे थे आपको, वो अगर आपसे बात कर ली जाए वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम, क्रिकेट वर्ल्ड हटा दिया जाए, बात कर ली जाए वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम, तो वो है कहा, नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, नॉर्थ कोरिया में है, ठीक है। तो वो एग्जाम पे आता नहीं जल्दी, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ कोरिया क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम पे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अगर बात कर ली जाए इंडिया का स्टेडियम, इंडिया का कोई भी जो या क्रिकेट हो या क्रिकेट ना हो, वो लार्जेस्ट कौन सा होगा, यही होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके सीजीएल और यूपीपीसीएस या बड़े एग्जाम्स के लिए। यह है लालटेन महोत्सव, लैटिन फेस्टिवल किस देश से संबंधित है या किस देश में मनाया जाता है, तो इसका आंसर भारत बिल्कुल भी नहीं है, इसका आंसर है चीन। जी हाँ, इसका आंसर है चीन। ये चीन में मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। इनका जब लूनर कैलेंडर स्टार्ट होता है, कब लूनर कैलेंडर स्टार्ट होता है, और उसके 15वें दिन मनाया जाता है, लूनर कैलेंडर के 15वें दिन मनाया जाता है। इस समय उनका 15वां दिन है लूनर कैलेंडर का, जो कि अपने कैलेंडर के हिसाब से अगर बात की जाए तो वो फरवरी और मार्च में पड़ जाता है, करीब फरवरी लास्ट या मार्च की स्टार्टिंग में पड़ जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये है लैटिन फेस्टिवल जो कि चीन में मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको और बता दे, अगर आपके लैटिन फेस्टिवल के आगे लग जाए स्काई, स्काई लैटिन फेस्टिवल, तो इसका आंसर होगा थाईलैंड। जी, इसका आंसर होगा क्या, थाईलैंड, ये मनाया जाता है थाईलैंड में। अच्छा, इसका रीजन जान लेते हैं, ये क्यों मनाया जाता है। ये मनाया जाता है, देखिए जब बुद्धिज्म की ग्रोथ हो रही थी चीन में, तो उसमें उसकी खुशी मनाया जाता है। देखिए वहां पर क्या करते थे, जब बुद्धिज्म ग्रोथ हो रहा था, वहां के जो साधु थे, जो मॉन्क थे, मॉन्क बोला जाता है उनको, मॉन्क, वो टेम्पल पर जाकर लालटेन इस तरह के दिया जलाते थे। धीरे धीरे ये प्रथा आगे विकसित होती है, और अब वहां पर क्या, ये एज अ फेस्टिवल मनाया जाता है। तो देखिए यहीं पर ये लिखा हुआ, इंपरर मिंग एज एन एडवोकेट बुद्धिज्म नोटिस बुद्धिस्ट मॉन्क वुड लाइट लेटर इन अ टेम्पल ऑन द 15th डे ऑफ द फर्स्ट लूनर मंथ, जो पहला लूनर मंथ होता है उसके 15वें दिन पर इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की जीडीपी ग्रोथ Q3 2021 की कितनी रही। तो देखिए अभी तक जैसा कि आपको पता था, कोरोना की वजह से अपनी जीडीपी रिसेशन पर चली गई थी, बहुत ही भयानक रिसेशन पर गई थी। देखिए -24.40 रिसेशन पर गई थी, उसके बाद -7.0 थी। जो अभी की Q3 की ग्रोथ रही है वो है 0.40, यानी कि पॉजिटिव में आ गया, एटलीस्ट हम लोग पॉजिटिव में आ चुके हैं। अच्छा, यहां पर आपको एक चीज बता दें, क्वार्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अप्रैल मई जून इसको हम बोलते हैं Q1, उसका था जुलाई अगस्त सितंबर इसको बोला जाता है Q2, उसका था अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये होता है हमारा Q3। तो इस समय जो आई है हमारी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, या इसको कई बार हम सीधा बोल देते हैं दिसंबर क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ आई है, वो आई कितनी 0.40%, ठीक है, एटलीस्ट ये पॉजिटिव पे रही इस बार। आपको जैसे कि पता है मार्च 22 को हमारे लॉकडाउन लगा दिया गया था, अप्रैल में पूरे लॉकडाउन की वजह से हमारी जीडीपी बहुत ही भयानक रिसेशन पर गई थी -24.40, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर में -7.30 रही, और उसके बाद 0.4 अभी पॉजिटिव हुई है। तो देखिए ये है आपका जीडीपी ग्रोथ रेट का चार्ट, जो कि पिछले कुछ ईयर से देखिए हम कंसिस्टेंटली देख ले, अगर यहां से मान ले यहां पर थोड़ी ग्रोथ हुई थी, उसके बाद 2018 की Q4 से अगर मान लिया जाए तो हम कंटिन्यूसली डाउन होती जा रही है हमारी जीडीपी, और यहां पर कोरोना आ गया, जैसे कि आपको पता है Q1 किसका 2020 का Q2 से बिल्कुल यहां पर कोरोना की वजह से हमारी जीडीपी बिल्कुल शार्प डाउन दिखाई। देखिए यहां पर हमने आपको बताया -24% गई, फिर -7% गई, और यहां पर ये Q3 अब आप देख रहे हैं हमारा वो कितना आया 0.40% की ग्रोथ पे आया, पॉजिटिव ग्रोथ पर आया। तो हमारी जीडीपी अब रिसेशन से ऊपर आ चुकी है, उबर चुकी है, और अब होपफुली उम्मीद करते हैं कि अब बहुत ही अच्छी जीडीपी ग्रोथ रेट आगे देखने को मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट हेल्थ कार्ड अभी हाल ही में किस राज्य ने जारी किया। आपको बता दें हालांकि ये राज्य नहीं, यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है, और आपको अब हिंट मिल गई होगी यहाँ पर चार ऑप्शन में मात्र एक यूनियन टेरिटरी है, वो है जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में अभी अभी एक स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया गया। इसमें होता क्या है, देखिए जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि हम भी यूनाइटिंग पढ़े तो वहां पर हमें एक कार्ड दिया जाता है जो कि इंश्योरेंस कार्ड होता है, किस चीज के लिए, आपको मेडिकल के लिए, अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो आप उस कार्ड के थ्रू आप किसी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एक लिमिट होती है कि 5 लाख या 3 लाख तक के आपके जो इंश्योरेंस हो गया या मेडिकल चेकअप होगा वो सारा फ्री होगा, ठीक है, तो उसकी लिमिट होती है।
ये कुछ इस तरह का होता है मेडिकल कार्ड। ये देखिए ये फ्रंट साइज, ये बैक साइड, बिल्कुल सेम जैसा कि आपका पैन कार्ड होता है या कोई भी आधार कार्ड होता है। ये एक फ्रंट साइज हो गया, ये बैक साइड हो गया, इस तरह का होता है। इसमें यहाँ पर तारीख लिखी होती है कब से कब तक के लिए वैलिड है, यहाँ आपका नाम लिखा होता है, कॉलेज का रोल नंबर लिखा होता है, कॉलेज की डिटेल लिखी होती है, जिससे कि आप वहाँ के अभी करंट के स्टूडेंट है। जैसे ही आपकी आप वहाँ के स्टूडेंट नहीं रहते, जैसे कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद से ये वैलिड नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या। अगला क्वेश्चन अनदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अटुकल पोंगल उत्सव, अटुकल पोंगल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, त्रिपुरा, तेलंगाना या तमिलनाडु? तो ये मनाया जाता है केरला में। जी हाँ, ये मनाया जाता है केरला में। वहां पर एक अटुकल जो वहां मंदिर है, वहां पर देखिए अटुकल देव उसकी पूजा की जाती है। ये महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर फोटो में दिया हुआ है, इस तरह कुछ ये प्रथा होती है वहां, इस तरह मनाया जाता है। अटुकल पोंगल एक 10 दिवसीय यानी 10 दिनों का त्यौहार है, जिसे अटुकल मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में मनाया जाता है। इस दिन अटुकल देव की पूजा की जाती है, साथ ही मंदिरों में लाखों भक्त इकट्ठे होते हैं और हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाते हैं। यह केरल में प्रत्येक वर्ष अटुकल भगवती मंदिर में महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। ये जरूर याद रखिएगा, महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है अटुकल मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जो कि अभी अभी समाप्त हुए हैं, उसका मेंस का सिंगल्स का खिताब किसने जीता? देखिए आपको बता दें, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होते हैं वो हर साल होते हैं, कब, जनवरी में, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हुए हैं, फरवरी के लास्ट वीक तक हुए हैं। तो अभी अभी इसका रिजल्ट आया, विनर्स घोषित हुए हैं। तो मेंस का जो खिताब किसने जीता, चार ऑप्शन आपके पास, नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, मेदवेदेव या रोजर फेडरर। तो इसका सही ऑप्शन है नोवाक जोकोविक। इन्होंने लास्ट ईयर भी 2020 में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था और इस साल भी 2021 का भी ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, नोवाक जोकोविक ने जीता है। ठीक है, तो ये है देखिए नोवाक जोकोविक, जो कि एक सर्बिया के खिलाड़ी, कहां खिलाड़ी, सर्बिया के, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्बियन प्लेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन सिमिलर इसी से मिलता हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का वुमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता? देखिए दो यहाँ पर टूर्नामेंट होते हैं, एक होता है मेन सिंगल, एक होता है वुमेन सिंगल। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि बहुत सारे अदर भी होते हैं, जैसे मिक्स होता है, वुमेन्स और मेंस मिक्स खेलते हैं। दूसरा अगर बात की जाए, व्हील चेयर मैच भी होता है वहां पर, तो बट उनके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो वुमेन्स की अगर बात कर ली जाए, तो वो खिताब जीता है किसने, नाओमी ओसाका, जो की जापान की प्लेयर है, इन्होंने जीता है। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको और बता दें, ऑस्ट्रेलियन ओपन का आप एक चीज याद रख लीजिए, ये खेला जाता है ब्लू डार्ट पिच पर। कैसा होता है, नीले रंग के ब्लू हार्ड कोर्ट, आप याद रखिए सीधा सीधा ब्लू हार्ड कोर्ट में खेला जाता है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट। ठीक है, तो देखिए ये है नाओमी ओसाका, जो कि जापान की प्लेयर है, कहां की, जापान की प्लेयर है, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का वुमेन्स का सिंगल का खिताब जीता। ठीक है, तो देखिए ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए और जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज हमने कुछ कम क्वेश्चन कवर किए क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो था करंट अफेयर का, अगले दिन से हम थोड़े ज्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको और कमेंट बताइएगा कि आपको कैसा लगा और इसमें क्या आप इंप्रोवाइजेशन चाहते हैं, क्या हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको और इंप्रूव कर सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दें, यूपीएसआई की सारी तैयारी, यूपीएसआई में आपको पता है मैथ 100 नंबर की आने वाली है और रीजनिंग 100 नंबर की आने वाली है, हिंदी 100 नंबर की आने वाली है और जीएस यानी कि कंप्लीट जीएस में करंट अफेयर सब कुछ होता है, वो 100 मार्क्स का आने वाला है। तो ये पूरी की पूरी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं पहले तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे कि हमें ज्यादा मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।